नमस्कार, मैं प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नल जल योजना में लापरवाह कर्मियों को किस तरीके से सरकार ने नापने की शुरू की है तैयारी। पूरे बिहार में नल जल योजना को लेकर जोर शोर से काम जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से खुद भी इस पूरी योजना को सफल बनाने में जुटे हुए नजर आते हैं। हालांकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो लापरवाह नजर आए हैं, जिसके कारण ही कई ऐसी जगह है जहां पर इस योजना को धरातल पर उतारा नहीं जा सका है। हालांकि बिहार सरकार ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों को नापने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए भी सोशल ऑडिट एक कारगर विकल्प सरकार के सामने उभर कर सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत 1,40,00,000 से अधिक घरों में शुद्ध नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत अगले 5 साल तक लोगों को नियमित शुद्ध जल मिल सके, इसको लेकर के राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अब सरकार ने इस पूरी योजना में सोशल ऑडिट को जोड़ा है। इस योजना में हुई गड़बड़ी की पहचान जिसके माध्यम से करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। ज्ञात हो, अब तक पीएचईडी ने 56,000 से अधिक वार्डों में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम किया है। इसकी निगरानी रखने के लिए सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। इसके आधार पर विभाग रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद वैसे संवेदकों को और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आज के समय में सोशल ऑडिट के माध्यम से लोगों के पास शिकायत करने का एक विकल्प भी मौजूद है। वहीं सोशल ऑडिट को अब केंद्र सरकार भी देखने में दिलचस्पी दिखा रही है। इसको लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि सोशल ऑडिट के समय केंद्रीय टीम बिहार आएगी और वो ऑडिट टीम के साथ रहेगी, ताकि ये पता चल सके कि ऑडिट से योजना को फायदा मिल रहा है या नहीं। अगले महीने दोबारा से सोशल ऑडिट शुरू करने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों को भी कहा है कि बिहार सरकार ने जिस तरह से योजना को नियमित चलाने के लिए सोशल ऑडिट का सहारा लिया है, यह बाकी राज्यों में लागू करे, ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके। अब आइए आपको बताते हैं कि तकनीकी ऑडिट के माध्यम से किन किन चीजों का समाधान निकल सकता है। तो सबसे पहले पाइप मोटर टोटी की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। कितनी गहराई में पाइप डाला गया है, इस बात की जानकारी भी ली जा सकती है। जहां तक पाइपलाइन को बिछाना था, पाइप कितना डालना था, कितना पाइप डाला गया है, अगर नहीं तो क्यों नहीं डाला गया है, और पाइप की क्वालिटी क्या है, इन सभी बातों की जानकारी ऑडिट के माध्यम से मिल जाएगी। खराब रहने से लाइफ और पानी की क्वालिटी पर कितना असर पड़ेगा, इसकी जाँच भी अब आसान हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं ऑडिट। तो हम आपको बताते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। सोसाइटी के लिए अब हर गाँव में 4 दिन तक घर घर जाकर पूछताछ करेगी। रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।